डिग्री का जो वैल्यू है साइन कॉस टैन ये सब तो आप लोग बता सकते हैं, सभी लोग बता सकते हैं ना? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत खुशी की बात है, निकल जा रही है। चलिए तो अब उसको हम लोग छोड़ देते हैं, अब उसका वो काम हो चुका है। लेकिन फर्स्ट डे जो क्लास हम शुरू किए थे उस दिन आप लोग हम लोग को रुक दिए थे, आज फिर हम वही चलते हैं क्योंकि यहाँ परीक्षार्थी लोग हैं, परीक्षा देने जाना भी, यहाँ के कुछ परीक्षार्थी बैठे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी काम खत्म कर देना है ताकि ये लोग को भी कुछ मदद हो जाए, ठीक है ना? तो देखिए आज फिर हम चलते हैं समकोण त्रिभुज पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। जैसा कि हमने उस दिन आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की सारी कहानी राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू होती है और राइट एंगल ट्रायंगल पर ही खत्म हो जाती है। तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, हिंदी में समझिए समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। बाकी के दो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल और एक राइट एंगल, ठीक है ना? तो राइट एंगल के ठीक सामने वाले साइड को उस दिन भी हम आपको बताया था कि हाइपोटेनस कहते हैं, बाकी का दो एगो परपेंडिकुलर हो जाता है और एगो बेस हो जाता है, ठीक है? अब चलिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है वो हमेशा वहीं रहेगा, उसकी स्थिति नहीं बदलती है, और 90 के सामने हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस वहीं रहेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर की स्थिति बदलती है जब यहाँ हम कोण अलग अलग लेते हैं। जब यहाँ बैठ के चलेंगे तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला कहलाता है, जब यहाँ चलते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, उस पर आएंगे। उससे पहले आप जानिए गणित में आप पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कराए हैं, इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास में आने वाला है, हो सकता है परीक्षा में आए, तो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस में आपने क्या किया? यही ना किया कि किसी संपूर्ण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यही है पाइथागोरस। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या कहलाती है? सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा ही सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, यानी कि हमने पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध किया है कि BC का स्क्वायर बराबर होता है AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो BC को हम क्या कह रहे हैं कि हाइपोटेनस है, तो H का स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारे लिए एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना? इसका हमें जरूरत पड़ेगा, कहीं कहीं पर क्या होगा कि जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो वहां कहीं पी दिया रहेगा, बी दिया रहेगा और एच नहीं दिया रहेगा, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग पी बी वहां रख देंगे वैल्यू और एच का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे एच पर से यहाँ से स्क्वायर हटा दिया जाए तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? इसी के आधार पर अगर मान लीजिए कि आपको पी स्क्वायर चाहिए तो पी स्क्वायर को यही रोक लेंगे, बी स्क्वायर इधर आएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी पर से स्क्वायर हटा दें तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? निकलते जा रहा है ना। अब यही अगर मान लीजिए कि हमको बी चाहिए तो बी स्क्वायर को रोक लेंगे तो पी स्क्वायर इधर आएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर इसी को आप हिंदी में चाहते हैं तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण पर से जब स्क्वायर हट जाता है तो आपका क्या हो जाता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यही आधार चाहिए तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाता है, ये लंब आके इधर घट जाता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है? लंब का स्क्वायर, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चल रहा है ना, बढ़िया। चलिए अब आधार, आधार पर से जब स्क्वायर हटाइएगा तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है? इसी तरह से आप जब लंब निकालना होगा तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का, यानी लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका, इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में, दोनों ही लैंग्वेज में, ठीक है? चलिए बात वही है। तो ये आपको पाइथागोरस प्रमेय से ये फॉर्मूले हैं।
तो ये हो गया, आपको हमने बता दिया पाइथागोरस से, ठीक है ना। अब चलिए, अब जैसे देखिए, अब हम लोग आते हैं कि जैसे यहाँ मान लीजिए कि थीटा का एंगल है, ठीक है ना। तो थीटा का एंगल है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हिंदी में समझिए तो लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश में लिखिए तो पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी बी बाई एच। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी बी बाई पी बाई एच, बी पी बाई बी, ठीक है ना। जैसे साइन का उल्टा क्या हो जाता है जी, तो साइन का उल्टा होता है आपको कोसेक, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई पी, एच बाई पी यानी क्या कर्ण बाई लंब। कॉस का हो जाएगा जस्ट अपोजिट कॉस थीटा, क्या होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा। सेक थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं b बाई एच, एच बाई बी यानी कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब देखिए टैन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपको, तो कॉट, कॉट थीटा के लिए आप लिख सकते हैं b बाई पी, वो p बाई बी होता है तो ये b बाई पी होता है, तो हो जाएगा आधार बटे लंब, है ना। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको जानकारी रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। इसके लिए देखिए आपको एक शॉर्ट मेथड बता देते हैं, कैसे ही आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट रहेगा, है ना। इसको दोनों ही चीज को देखिए, इतना के लिए अगर ये तीनों याद रहे, ये तीनों याद रहे साइन कॉस टैन का, तो उसका उल्टा साइन का कॉसेक, कॉसेक का सेक और टैन का कॉट, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं ना, क्या जी? यस सर। उलट देना है बस, तो इतना ही आपको याद रखना है, तो इतना कैसे याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, नहीं ना रहेगा। तो देखिए इसके लिए हम लिखते हैं, अगर हिंदी में चाहते हैं तो इसके लिए लाल लाल बटा को आ, तो देखिए तो ल बटा को ये क्या हो गया साइन थीटा, आ बटा को ये क्या हो गया कॉस थीटा, आ ल बटा आ ये क्या हो गया टैन थीटा, ल आल बटा को हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए भी चाहिए, चलिए इंग्लिश के लिए भी दोहा बताते हैं, लेकिन कोई अदरवाइज मत लेना, हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए हो जाता है पंडित बोला पांडे हर हर बोल, हर हर बोल, पंडित बोला पांडे हर हर बोल, नहीं समझ आ रहा, देखो आएगा पी से पंडित, पी पो पी से पो, पी से का पो, तो पी हो गया, तो ये हो गया P by H, ये क्या है P by H, यानी ये क्या है साइन, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो B से बोला, B से बोला, B by H, ये हो गया cos, ठीक है। अब पांडे, फिर P से पांडे जी, अब B से बोला, ये हो गया tan, यही ना है जी, देखो तो टाइम पी बाई बी, बी बाई एच, अब पी बाई एच याद हो गया, एक सेकंड नहीं हो जाएगा, पंडित बोला पांडे हर हर बोल याद रखियो। चलिए कहे नहीं, बहुत आनंद आएगा ना, बहुत मजेदार विषय है, ठीक है। चलिए तो इतना तो हो गया, लाल बट्टा को का याद रखिएगा, तो ये लंब बट्टा कौन, आधार बट्टे कौन, लंब बट्टे आधार, तो ये साइन ये कॉस ये टैन, लाल बट्टा इंग्लिश में अगर याद रखना चाहते हैं पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी, तो पंडित बोला पांडे हर हर बोल, पी फॉर पंडित, बी फॉर बोला, फिर पी फॉर पांडे, एच फॉर हर, एच फॉर हर, है ना, बी फॉर बोला, ठीक है। चलिए ब से बोला, बी से बोला, बी से ब, ठीक है। चलो आगे,
ठीक है, आ रहा ना, चलो खूब आ रहा है। चलिए आगे देखिए, अब आ जाइए आपको, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन, क्या होता है वन होता है, ठीक है ना, तो ये वन होता है। चलिए तो इससे हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रोक लीजिएगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा पर से स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़िए, नंबर एक से इतनी बात हुई, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लो, कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लोगे साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर होता है आपका, सेकंड नंबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, ठीक है ना। यस सर। वन होता है, ठीक है। तो चलिए सेक स्क्वायर थीटा को यही रोक लेंगे तो ये उधर हो जाएगा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो सेक थीटा स्क्वायर को अंडर रूट वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, अब देखो टैन को उधर वन को इधर, तो टैन को उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा ना, तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, और टैन पर से स्क्वायर हटा दिया जाएगा तो ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो इस एक से ये चार हुए, इस एक से ये चार हुए, ठीक है ना, इन सब का आपको जरूरत है। अब चलिए नंबर तीन, नंबर तीन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है ना, तो इसको लिखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा को यही रोक लीजिएगा तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट को उधर वन को इधर, तो क्या करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और कॉट कॉस स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। yes, तो फिर इस एक से कितने निकले चार, ठीक है। yes, अब थोड़ा सा मान लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ ये होता कैसे है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा के लिए क्या जानते हैं क्या होता है जी, पी बाई एच, तो यहाँ अगर पी का स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और कॉस के लिए होता है बी बाई एच, तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कीजिएगा ना एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, और ये ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से तो आप जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर, तो इतना के लिए आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, कैंसिल हो गया वन, देख रहे हैं ना, प्रूफ हो जा रहा है ना, सबका प्रमाण है, अगर कहीं आपको लगे कि नहीं हम गलती लिख रहे हैं तो आप उसको प्रूफ करके देख लीजिएगा कि आप गलती लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं, ठीक है, कहीं भी बैठ के देख सकते हैं, फॉर्मूला में गलती नहीं हो सकता। चलिए इसको भी देख लीजिए ये कैसे आएगा, ये तो ये क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जैसे होता क्या है ना, लिखोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा परीक्षा में, तब तक पीछे से को कहेगा अरे तुम गलती लिख रहे हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर नहीं ना होता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, तो वहां चेक किया जा सकता है, कैसे कैसे चेक कीजिएगा, sec स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखिएगा, sec किसका उल्टा है cos का, किसका उल्टा है cos का, तो cos क्या होता है b / h, तो sec क्या हो जाएगा h / b, h / b का स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर / b स्क्वायर, और माइनस tan क्या होता है जी, tan क्या होता है, tan क्या होता है p / b, तो p स्क्वायर / b स्क्वायर, LCM फिर यहां b स्क्वायर,
आप जो ये लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं, प्रूफ हो जा रहा है कि वन होगा। इसको भी देख लिया जाए, देखा जाए, मान लो कि ये क्या है, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। किसका? साइन का। तो साइन का होता है, तो साइन क्या होता है जी, पी बाई एच, पी बाई एच। तो ये हो जाएगा एच बाई पी, उल्टा उलट दिया जाएगा स्क्वायर। माइनस कॉट किसका उल्टा होता है, तो टैन का। तो टैन क्या होता है भाई, तो पी बाई बी। तो ये हो जाएगा बी बाई पी और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर फिर एलसीएम पी स्क्वायर। और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो यहाँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब क्या लिखा है, पहले क्या है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या लिखा गया, पी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर इसके लिए लिख सकता है, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कट गया, वन आ गया। यानी फिर हमने ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, अपना करके देख सकते हैं आप, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है ना। और इस एक से ये चार निकल रहे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, साइन का जो उल्टा कोसेक, कोसेक कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों होता है, क्योंकि साइन होता है, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। साइन थीटा होता है पी बाई एच और कोसेक होता है एच बाई पी, उलट के कट कट के क्या हो जाएगा, इसीलिए इसको फॉर्मूला बना दिया गया है कि क्या होता है 1। लेकिन इससे देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा को यहीं रोकेंगे तो ये इनटू में आते बट्टे में आ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो 1/cosec थीटा, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब cosec को रोक लिया जाए तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये भी फार्मूला हो गया। यानी इस 3/4 इस चौथे से ये दो निकले, ठीक है ना, इसी तरह से आप 5, ठीक है, पांचवा जैसे cos थीटा, cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 1/sec थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/cos थीटा। फिर ये दो निकले, देखा, इसी तरह से tan पर आ जाइए, tan का उल्टा क्या होता है, tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा। यहां फिर दो निकल गए, कोई दिक्कत नहीं सर, एनी प्रॉब्लम नो सर। चलिए छठा हो गया, सातवां पे, सातवां क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। और जस्ट इसका उल्टा होता है cot, cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। बस अब इसमें आपको एक ही चीज बच गया है, कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखना, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो उसको भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, जगह अभी इस पर नहीं है, इसको लिखना है। आइए अब फिर हम लोग आते हैं वहीं रिटर्न में, 90 डिग्री यहाँ रहेगा, ठीक है ना, यहाँ मान लीजिए कि थीटा का एंगल है, तो ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल को जब जोड़ा जाता है, तीनों कोणों को जोड़ोगे तो कितना डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री, उससे ना ज्यादा ना उससे कम, 180 ही होगा। तो ये चूंकि 90 के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, बात अभी हो चुकी है, चलिए उसकी अभी जरूरत नहीं है, अभी हम लोग चलते हैं इसका नाम ए बी सी, ठीक है ना। तो जब ये अकेले 90 हो गया
तो ये दोनों मिला के 90 होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं ना, जो दो एंगलों को जोड़ने पे 90 हो जाए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ठीक है। चलिए अब आइए लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, लेकिन क्यों होता है ये सवाल है ना जी, क्यों होता है, तो क्यों होता है सो देखिए, 90 माइनस थीटा कहां पर देख रहा है, यहां पर है ना, ये 90 के सामने वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनस, क्या कहेंगे, हाइपोटेनस एच कहेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि बी और पी की स्थिति कोण के अनुसार बदलते रहती है, इन दोनों कोणों के अनुसार, जब यहां पर लेंगे तो इसके ठीक सामने वाले को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है ना, और जब इस कोण को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहेंगे। तो ये साइन 90 माइनस थीटा हमने लिया है, साइन 90 माइनस थीटा यानी कोण तो यहां पर लिया है, कहां पर, ये सी पर, तो इसके ठीक सामने ये कौन सा भुजा पड़ रहा है जी, ए बी, इसका नाम क्या है, ए बी, 90 माइनस थीटा के ठीक सामने क्या है, ए बी, ए बी ना है जी, और साइन तो यही लंब हो जाएगा, साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटा कोण, अबे ना बताए लाल बटा ककवा, अब पंडित बोला पांडे हर हर बोल, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा कोण होता है, साइन क्या होता है, लंब बटा कोण, तो कोण क्या हो जाएगा जी, बीसी, कोण क्या हो जाएगा, बीसी, कोण हो गया बीसी, तो चलिए, लेकिन अगर ये थीटा कोण लिया जाए, थीटा, तो थीटा के लिए तो ये ए बी क्या है, थीटा के लिए भी क्या होगा, क्योंकि थीटा कोण पर आओगे तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहोगे, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ये कोण तो अपना स्थिति बदलेगा नहीं, जो कण है सो कण ही रहेगा, उसकी स्थिति कभी नहीं बदलती है, तो ये जो बच गया तीसरा भुजा ये क्या है, बेस है, किसके लिए, थीटा के लिए, तो बेस बटा कोण ये क्या दिख रहा है, आधार बटा कोण, किसके लिए, थीटा के लिए, तो आधार बटा कोण किसके लिए लिखा जाता है, कॉस थीटा के लिए, तो इसलिए हो जाता है क्या, cos थीटा, ठीक है ना, cos थीटा, क्योंकि ये cos थीटा के लिए क्या हो जाना है, आधार बटा कर्ण, समझ गए ना बात, कि क्यों लिखा जाता है cos थीटा, जी सर, हां चलिए अब देखिए cos थीटा, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा जब लिया जाएगा तो आ जाएगा sin थीटा, ठीक उसी तरह से cos 90 माइनस थीटा, यानी यहां ले जाओ, देखो मैं एक और फिगर बनाइए के समझा देता हूं, उसी फिगर को ऐसे कर देते हैं, मान लो वो सी जो है यहाँ 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, और ये थीटा यहाँ चला गया और ये 90 यहाँ आ गया, और ये सी हो गया और ये ए हो गया और ये बी हो गया, बी पर थीटा, ठीक है ना, यस सर, वही फिगर है, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ठीक है ना, तो चलिए क्या लिखे है, cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा माने ये वाला ले रहा है, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला ये लंब कहलाएगा, लेकिन कॉस में क्या होता है, आधार बटा कोण होता है ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा के लिए हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा यानी इस कोण के लिए आधार कौन सा भुजा हो गया, एसी, आधार हो गया एसी, क्योंकि सामने वाला तो लंब है और कोण तो वही रहेगा, एसी बटा बीसी, लेकिन जब थीटा पर आ जाएंगे तो फिर वही बात, थीटा के लिए लंब क्या हो गया, एसी, एसी थीटा के लिए एसी तो लंब हो गया और बीसी कर्ण रह गया, तो लंब बटा कर्ण किसके लिए लिखा जाता है भाई, तो साइन थीटा के लिए, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, साइन थीटा, ठीक है, तो ये आ गया साइन थीटा, उसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं cot थीटा, ठीक है ना, और आपको साइन का उल्टा क्या होता है, cosec, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec, cosec थीटा, और cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक है जी सर, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, जैसे cot 90 माइनस थीटा, मान लो cot 90 माइनस थीटा, इसको समझो cot 90 माइनस थीटा लिए हो तो यहां लिए हो,
तो इसके ठीक सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब, और ये आधार। लेकिन कोण तो होता है आधार बटा आधार बटा लंब। टैन होता है लंब बटा आधार, और कोण होता है आधार बटा लंब, है ना। लाल लाल तो लो आर अनंत में, तो लंब बटा कोण होता है आधार होता है कोण, टैन। तो कोट होता है क्या? कोट कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। तो ये सामने वाली भुजा तो लंब हो गई ना जी सर, और ये आधार हो गई। तो आधार यानी AC और बटा लंब यानी कि AB, AC बटा AB। लेकिन थीटा के लिए तो ये AC क्या कहलाएगा? थीटा के लिए लंब कहलाएगा। थीटा के लिए कोण थीटा पर अगर आ जाए तो उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो AC लंब हो गया और AB आधार हो गया, यानी लंब बटा आधार क्या होता है जी? क्या है? थीटा। लंब बटा आधार P by B, ठीक है। चलिए, ये इतनी बातें जो बताए आज हम देख लीजिएगा। तो इसके अलावा कोई फॉर्मूला है नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, और इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, और सब कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। तो कोई तकलीफ नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। पंडित बोला पांडे हर हर बोल, और लाल बटा कपा, और इसमें ये 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है ये भी आपको दिखा दिए। यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।